धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। गीता का पहला श्लोक, गीता का पहला श्लोक यही बता रहा है कि ये धर्म क्षेत्र है संसार, ये पूरा ब्रह्मांड कर्म क्षेत्र है। यहां कोई भी व्यक्ति जीव मनुष्य बनकर आया है वो कर्म करने के लिए आया है, और ऐसे कर्म करने आया है कि पिछले जन्म जन्मांतरों के कर्मों का जो भी फल है, पुण्य हो या पाप हो, वो समाप्त हो जाए और मैं परमात्मा के चरणों का दास बनकर उनके शरीर में प्रांत हो जाऊं, मेरी मुक्ति हो जाए। पर ऐसा संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि जीव संसार में संस्कारों के बदले आता है और उसी कारण उसी तरह के कर्म करते करते और दलदल में फंसता चला जाता है। उसका ही कारण तुम हो। हे राजन, संसार बनाने वाले ने संसार इसलिए बनाया है कि जीव निवृत्त हो जाए कर्म के फल से, कर्म के बंधन से, क्योंकि मृत्यु लोक ही जन्म लोक है, जन्म लोक ही कर्म लोक है, कर्म लोक ही भोग लोक है, और भोग लोक ही सुख लोक है, दुख लोक है। इसी लोक में आकर के कोई मुक्ति पा रहा है और कोई बंधन में नरक में जा रहा है। ये लोक खराब नहीं है, व्यक्ति के कर्म और संस्कार के कारण इसी संसार में कोई मुक्त हो रहा है और कोई बंधन में पड़ रहा है। इसी संसार में राम आते हैं कृष्ण बनकर, कृष्ण आते हैं राम बनकर, भगवान नारायण ही बार बार संसार में आते हैं। संसार खराब होता तो भगवान कभी ना आते। इसलिए हे वत्स, संसार तो कल्याण करने के लिए प्रभु ने रचा है। आप कल्पना करो, जैसे मनुष्य घर बनाता है तो घर मनुष्य क्यों बनाता है? अच्छी तरह नहाने के लिए, अच्छी तरह सोने के लिए, अच्छी तरह रहने के लिए, अतिथि का सम्मान करने के लिए। पर उस घर में अगर कर्म खराब हो जाए, घर में बोतल लेके आ जाए कोई दारू की, तो घर चाहे सोने का क्यों ना बना हो, दारू तो अपना काम करेगी। आपने इटालियन मार्बल लगा करके किचन को सजाया हो, अगर किचन के ऊपर अंडा उबल रहा है, कुकर में सीटी मार रहा है, तो इटालियन मार्बल कुछ नहीं करेगा, तुम्हें तो अंडे का फल भोगना है, कर्म का फल भोगना है। तुम्हारे किचन में देवता बैठे, मंदिर बनाया है घर में, और मंदिर में राम बैठे हैं, श्याम बैठे हैं, दुर्गा बैठी है, काली बैठी है, वैष्णो माता बैठी है, सीता राम बैठे हैं, राधा कृष्ण बैठे हैं, शिव और पार्वती बैठे हैं, हनुमान बैठे हैं, और फ्रिज में अंडा बैठे हैं। एक म्यान में दो तलवार, उसी घर में अंडा रखा, उसी घर में राम बैठे हैं, उसी घर में श्याम बैठे हैं, कैसे शांति रहेगी घर में? अंडे को देखकर राम का क्या हाल होगा? फ्रिज में ठूस के भर रखी है मछलियां, क्या होगा? गीली से नहीं काम चल रहा तो सूखी सुखा सुखा कर भर रखी, बोलो। बड़ी समस्या संसार में आ गई है, और सुख ढूंढ रहे हैं सुख। फिर मंदिर में सुख मिलेगा, मस्जिद में सुख मिलेगा, गुरुद्वारे में सुख मिलेगा? वहां सुख बट रहा है क्या? ना, वो भी ईंट पत्थरों से मनुष्य ने बनाया है, वहां भी सुख नहीं बटता। कर्मों का फल भोगना है। मंदिर कभी मत जाओ, पर कर्म को मंदिर बना लो, फिर मंदिर स्वयं ही तुम्हारे पास चल के आ जाएगा, जैसे सबरी के पास राम पहुंच गए थे। पर तुम्हें अंडा छाप, तमाकू छाप, अंडा छाप, दारू छाप, तो तुम्हें तो रोज हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, रोज मंदिर जाना पड़ेगा, फिर भी लाइन नहीं लगेगी। क्यों? बड़े बड़े चालू लोग मंदिर जाते हैं महाराज। कैसे कैसे चालू? एक भगत मंदिर गया हनुमान जी के, उसने हनुमान जी से प्रार्थना की, हनुमान जी अगले मंगलवार तक मेरा एक काम है वो पूरा कर दो, और 1,00,000 रुपए का फायदा होगा मुझको, अगर वो काम पूरा हो गया तो उसमें से मैं आपको 5 रुपए कम से कम चढ़ाऊंगा। हनुमान जी ने कहा चलो 5 तो 5 चलेगा। काम सफल कर दिया हनुमान जी ने। भगत ईमानदार भगत था, जामताड़ा का ही होगा, भगत ईमानदार था। 1,00,000 रुपए का फायदा हुआ, 5 रुपए लेकर के ईमानदारी से अगले मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में पहुंच गया। महाराज, मैंने वचन दिया था, आपने मेरा काम किया, तो देखो मैं भी आया हूं तुम्हारे चरणों में। मंदिर में जाकर के उसने पैर के अंगूठे से यूं लकीर सी खींच दी, रेखा मार दी, रेखा के बाहर खड़ा हो गया हनुमान जी उधर और वो इधर, और 5 सिक्के लाया था खुले, $5, 1-1 रुपए। उसने हनुमान जी से कहा, महाराज मैं इधर खड़ा हूं, तुम उधर बैठे हो, रेखा के उधर जो पैसे पड़ेंगे वो तुम्हारे, और रेखा के इधर जो रह गए वो मेरे, और फेंकना किसके हाथ में था आप बताओ, बोलो फेंकना किसके हाथ में था? उसने ऐसी तरीके से, ऐसी बुद्धि से पैसे फेंके कि हनुमान तक 1 सिक्का ना पहुंचा।
हनुमान जी मैंने तो पहले ही कहा था रेखा के इधर गया वो तुम्हारा। अच्छा ये तो एक था, दूसरा और उसके बगल में खड़ा था, उसने भी ऐसे ही बर मांगा था। उसने कहा हे हनुमान जी आपने मेरा काम बना दिया, मैंने अगले मंगलवार को हंडा फोड़ा था, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी और मैं तो पूरे के पूरे 120 रुपए लेके आया हूँ महाराज चढ़ाने के लिए। मैं तो कोई लालची नहीं हूँ, आपसे काम बना दिया, मेरा वचन पूरा हो गया। पर मैंने महाराज ऐसा सुना है कि लोग कहते हैं ऊपर वाला ऊपर रहता है, तो मैं आपको कहाँ देखूँ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हे ऊपर वाले। उसने भी वो 100 रुपये मुट्ठी भार के ऊपर को ऊपर वाले ले ऊपर वाले और नीचे अपनी चादर बिछा दी, ऊपर जो रह जाए वो तुम्हारा और नीचे जो आ जा। तो आप समझ ही गए होंगे ऐसे ईमानदार भक्तों से जामताड़ा भरा हुआ है। काम बनने पर जाते तो हैं मंदिर पर, भगवान को ऊपर वाला साइड वाला रेखा वाला बता करके घुमाते रहते हैं, पर कुछ नहीं मिलेगा महाराज, कुछ नहीं मिलेगा। अंत में राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने कहा राजन संसार भगवान ब्रह्मा ने रचा, दुख सुख ब्रह्मा ने नहीं रचे, दुख सुख जीव का ही परिणाम है। प्रलय के बाद में जब परमात्मा दोबारा संसार करते हैं तो सबके संस्कारों को जीव को पुनः वापस कर देते हैं और उन्हीं संस्कारों के वापस होने के कारण जीव दुखी और सुखी रहता है। इसलिए हे राजन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे कर्मों का जरूर उद्धार होगा। ये सत्कर्म कर रहे हो भागवत का, और भागवती सत्कर्म जो करता है उसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, इसलिए सत्कर्म करो तुम्हारा कल्याण होगा।